यही है नीलकंठ पर्वत। हम बहुत नजदीक में है, परंतु 2-3 हजार ना 22,800 फीट से भी ऊपर ऊंचाई पर है। वहां पर आज तक कोई चढ़े नहीं, और हमारा भारत का फौजी सेना वहां पर गए है। बाहर का प्रयत्न किए तो वही नहीं चढ़ पाए। जापान का आए थे वो लोग वहां लुप्त हो गए। जो लुप्त हो गए उसका शासन भी यहाँ पर उस दिन से यहाँ पर पड़ा है। तो ये स्थान है चरण पादुका का, और यहाँ पर कोई भी आदमी अष्टाक्षरी द्वादशाक्षरी का अनुष्ठान करने के लिए 2-3 दिन यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ हमारा प्रिय कर्नाटक के मंगलोर क्षेत्र के एक महिमावान बाबा जी यहाँ पर रुकते हैं, और वो यहाँ सबके लिए अनुष्ठान करने वाले के यहाँ पर सेवा भी करते हैं। और ये साल में 2 बार ब्रह्मकल्प कमल से यहाँ अनुष्ठान करके जो भी यहाँ पर अपना एड्रेस लिखवाते हैं उनको ब्रह्मकमल का पूजा का प्रसाद यहाँ से पहुँचाते हैं। ये है बाबा जी का नाम योगी बुद्धिनाथ। हाँ, बाबा जी मंगलूर से है, कर्नाटक से है। इधर अपना फुल एड्रेस देना, गोत्र लिखना। हाँ, हेम्मेय कर्नाटकवन्नु एंदू मरियबारदु।